नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक रोज़मर्रा की बनने वाली सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो है आलू की सब्ज़ी। ये आलू की सब्ज़ी टिफ़िन में डालने के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। टिफ़िन में अमूमन क्या होता है कि हम झोल वाली रस्से वाली सब्ज़ी नहीं डाल सकते और एकदम ड्राई सब्ज़ी खाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उस ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं जो खाने में अच्छी लगे और आराम से खाई जा सके। तो उसके लिए मैंने यहाँ आलू लिए हैं। ये मैंने 5-6 आलू को काट लिया है, इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। और इस तरफ देखिए आप, 2 टमाटर काटे हैं जिसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी साथ में काट ली है। और साथ ही साथ में हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो जो हमें नॉर्मल मसाले चाहिए वो मैं कटोरी में यहाँ उसको कैसे छोंकना है वो बताती हूँ। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 2 चम्मच ले रही हूँ धनिया पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार लेना है, यानी थोड़ा, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लें या थोड़ा कम रखें। हल्दी डाल लेते हैं, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। और यहाँ मैंने देखिए अमचूर रखी है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी अमचूर भी इसमें मिला लेंगे। अगर आपको अमचूर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप केवल टमाटर से बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी मिला के एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेते हैं, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है और इस तरफ मैंने ऑयल भी डाल लिया है, कुकर रख लिया है और उसमें ऑयल डाल लिया है। तो छौंक हम डाल लेते हैं। तो मैं इस तेल के अंदर थोड़े से मेथी दाने डालूंगी। थोड़ी सी राई मिला रही हूँ। और थोड़ा सा जीरा भी डाल रही हूँ। इन तीनों को हम अच्छी तरह से तड़कने देंगे। जीरा ऊपर से आ गया है, ऊपर आ गया है। अब हम इसमें हींग मिलाएंगे। और हींग मिलाने के बाद में हम तुरंत इसमें जो हमने पेस्ट तैयार की थी वो मिला लेते हैं। आंच कम रखेंगे इस दौरान और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर हम ये मसाला भूनेंगे। और ये जो मसाले की कटोरी थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्स कर लिया है मैंने, और इसमें मिला लेंगे। और ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट हम इसे भून लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। मसाला भून गया है, बहुत ज़्यादा भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसके अंदर ये जो हमारे टमाटर और हरी मिर्च है ये मिला लेंगे। और टमाटर को भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1/2 मिनट भूनेंगे। टमाटर को 1/2 मिनट भून लिया है और अब इसमें हम हमारे कटे हुए आलू मिला लेंगे। सारे आलू हम डाल लेते हैं इसी के अंदर। आँच कम रखूंगी थोड़ी। सारे आलू हमने डाल लिए हैं और अब मैं इसे मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। पूरे आलू को मसाले के साथ में मिक्स कर लेना है। आँच इस दौरान हमें कम ही रखनी है ताकि हमारा मसाला नीचे से जले नहीं। आलू मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं पानी भी लाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना सा। एक बार फिर मिक्स करेंगे। पानी डालने के बाद में मैंने सब्ज़ी मिक्स कर ली है और अब मैं कुकर का ढक्कन लगाऊंगी, यानी विसल लूंगी इसकी। कम से कम 3 विसल लेंगे। 3 विसल के बाद में हमारी ये सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे ढक्कन लगा लेती हूँ और 3 से 4 विसल ले लेती हूँ। हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, 3 विसल में ही बन गई है।
थोड़ा सा हरा धनिया मिला लूँगी मैं, और बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। सब्ज़ी मैंने सर्व कर ली है और ये तैयार हो गई हमारी टिफ़िन वाली आलू की सब्ज़ी। इसमें ये ना एकदम सूखी है ना इसमें बहुत ज़्यादा रसा है, तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। आपने देखा होगा मैंने इसमें हींग का तड़का दिया है, तो अगर आलू की सब्ज़ी में जब हींग और साथ में मेथी का तड़का दिया जाता है तो ये और भी ज़्यादा खुशबूदार हो जाती है। आप इसमें थोड़ा सूखा पुदीना मिला लें तो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।